हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको सिखाऊंगा, दिखाऊंगा और ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ये जो सब लीकेज है इंजन का पूरा, यहाँ से, ये फील्ड पंप से, गवंडर से, सब जगह से जो भी डीजल आ रहा है वो ला रहा है, वो लीकेज हो रहा है पूरे इंजन में, उसको कैसे बंद करना है वो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी चैनल पे नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। देखो, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट में से और फील्ड पंप में से, और ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी तो क्या होगा, डीसी कंप्रेशन चिकनी जहाँ से आती है ना वहीं से निकाल देगा, या गैस से वो निकाल देगा। वो इंजन में एक तरह की गैस होती है, वो गैस निकल नहीं पाएगी ना, तो कभी कभी इधर रबर सील में से भी ऑयल को निकाल देता है इंजन। मतलब गैस को निकलने की जगह चाहिए, साथ में ऑयल भी निकल जाता है। ठीक है, तो मैं आगे आपको ट्रिक दिखाता हूँ। यहाँ पैकिंग से सब जगह से इतना ऑयल निकाल देगा कि आपका इंजन पूरा ऑयल हो जाएगा। ठीक है, सब इंजन के लिए यही सेम एक ही काम रहेगा। BS2, 3, GL सब में देखो, इसमें पंप में से भी ऑयल निकल रहा था, पंप की फेस में से, यहाँ से रबर सील से और डीसी किट से, यहाँ से सब जगह से ऑयल पूरा निकाल देता था। ठीक है, तो ऑयल फिल्टर से भी आ रहा है, देखो यहाँ से भी आने लगता, शुरुआत हो जाएगी, और यहाँ से भी अभी सिर्फ भेज ही आ रहा है, मगर थोड़े दिन में यहाँ से भी चालू हो जाता। ठीक है, तो क्या करना है ना, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये ऑल इन वन ट्रिक है, ये करोगे आपका 70% ऑयल लीकेज बंद हो जाएगा। आखिर इंजन है, ब्लॉक पिस्टन डाउन है, तो ये समस्या थोड़ी कम हल होगी, नहीं तो अच्छा इंजन है तो ये 100% बंद हो जाएगा आपका। तो उसके लिए क्या करना है, हमको ब्रेथर वाल्व खोल देना है। ब्रेथर वाल्व क्या पता है ना, उसको खोलना है और इसको ही सर्विस करना है। इसमें जो फॉल्ट होता है ना, उसकी वजह से सब जगह से ऑयल लीक होने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसकी वीडियो तो पूरी नहीं बनाएंगे, उसके लिए वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहीं से आप देख लेना, और आई बटन में भी देख दूंगा BS3 की 4 की, तो वहीं से आप देख लेना। देखो, ये किट जाम हो गई है, इसके अंदर की स्प्रिंग टूट चुकी है, और उसकी वजह से वो जो पत्री है ना, ये होल में चिपक जाती है और इंजन के गैस को निकलने नहीं देती है, इसलिए ये सब जगह से वो लीकेज करने लगता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, खोल के सर्विस ही कर देंगे पूरा, और इसका पत्री स्प्रिंग सब कुछ नया डाल देंगे। और क्या कैसा डालना है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखो, ये स्प्रिंग ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और ये BS2 का डाला हुआ है, ये अच्छा ही आता है, मगर ये थोड़ा कड़क रहता है पत्री और ये स्प्रिंग, तो ऐसा स्प्रिंग खराब हो जाएगा, और ये एसी वाली कड़क पत्री आ जाएगी ना, तो आप ये यूज मत करो। BS3 की जो ओरिजिनल आती है ग्रे कलर वाली, मैं आगे आपको दिखाता हूँ, वो वाली पत्री आप यूज करो 6-8 महीने तक, उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो स्प्रिंग भी स्टील की आती है। देखो, ये सब ऑयल उसकी वजह से ही है, तो इसका आप 70% तक आपका ऑयल ये लीकेज बंद कर देगा, ब्रेथर वाल्व किट सर्विस करने से ही, और इंजन में भी जो दबाव है ना वो भी निकल जाएगा। ठीक है, और अब सबसे ज़्यादा गवर्नर सपोर्ट में है, यहाँ का ऑयल 90% तक, 100% भी बोल सकता हूँ, मगर अच्छा इंजन है तो 100% यहाँ का लीकेज बंद हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, और इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में मैं दे दूंगा, तो वहीं से आप देख लेना कैसे सर्विस करना है, कैसे फिटिंग करना। आगे मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कौन सी वाली ब्रेथर वाल्व किट यूज करनी है आप लोगों को, अच्छी वाली। ठीक है, कोई मैं कंपनी का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मगर जो अच्छी चीज़ है उसको अच्छा ही बोलना पड़ेगा, और वही चीज़ आप भी यूज़ करो। ये वाली बहुत कड़क आती है, तो ये यूज मत करो काले कलर की, ऐसा नहीं इसमें भी लूज है एकदम पानी जैसा, तो वही यूज करो आप। ठीक है, तो मैं आपको इसमें आगे ब्रेथर वाल्व किट दिखा दूंगा कैसी वाली यूज करनी है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।
और इससे अच्छा ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, वहीं से आप अच्छे से सीख भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। देखो ये सब ऑयल हम लोग इसका बंद करके इसको गाड़ी को पानी प्रेशर से धुलवा के ही फिर ये नया डाल के ट्राई करेंगे बंद हुआ कि नहीं हुआ। हो ही जाएगा 100%। अच्छा इंजन है तो बंद ही हो जाएगा, अगर ब्लॉक पिस्टन खराब है तो नहीं। देखो ये है ओरिजिनल कंपनी का, ये महंगा रहेगा थोड़ा, 100-120 में मिलेगा, मगर ये वाला किट ही आपको यूज करना है। इसको कैसे फिटिंग करना है उसकी वीडियो ऑलरेडी है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लेना। देखो ये वाली पत्री है ना, एकदम से कड़क हो जाएगी और चिपक जाएगी, तो इंजन की गैस देखो यहाँ पे चिपक जाएगी, तो इंजन की गैस निकल नहीं पाएगी और जहाँ तहाँ से पैकिंग तोड़ के गैस निकलने के टाइम पे साथ में ऑयल भी लीक कर देगा। ये आप अच्छे से सर्विस कर लोगे आपको 100%। ये मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, अंदर की स्प्रिंग दिखा रहा हूँ, ऐसी स्टील वाली स्प्रिंग ही आपको डालनी है, ये इसमें आती है अंदर ही किट में। दिखाता हूँ मैं आपको स्प्रिंग, ऐसी वाली स्टील वाली स्प्रिंग आप यूज करोगे। देखो ऐसा स्टील है, ये स्टील की है, 6-8 महीने तक आपका ये स्प्रिंग खराब भी नहीं होगा और ब्रेथर वाल किट को भी सर्विस भी नहीं करना पड़ेगा। और इसको अच्छे से धो के सफाई करके आप लोग फिटिंग कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑयल लीकेज करना भी बंद कर देगी, तो ये वाली किट ही आप यूज करो। ठीक है, ये वाली ओरिजिनल अच्छी वाली किट आप लेके, पैसे के सामने मत देखो, ये 6-8 महीने तक इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, अच्छे से चलेगी। और ये वाली पत्री इसमें से निकल रही है, ठीक है, एक ग्रे कलर का है, ऐसी वाली आप फिटिंग करो। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, मुझे टाइम मिलेगा मैं 100% आपका जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप भी इस तरह से अच्छे से अपने कस्टमर को काम करके दो और उसको सस्ते में भी हो जाएगा और सब पैकिंग भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको एक भी पैकिंग नया डालना है जरूरी नहीं है, अगर ये फॉल्ट है और होता है ये फॉल्ट की वजह से तो आप पहले चेक करो। इसको चेक करने का तरीका मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ब्रेदर वाल्व कैसे चेक करें कि इसकी इंजन का गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरी चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।